हे गाइस, ये है नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो अभी टाइम आ चुका है इस रूम को बाय बाय बोलने का और चेकआउट करने का। तो अभी हम जाने वाले हैं बाहर, थोड़ा कोणार्क टेम्पल जाएंगे क्योंकि कल नहीं जा पाए थे। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर पास में, तो जगन्नाथ जी के मंदिर चलते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो इस रूम के लिए मुझे एक ही बात अच्छी लगी कि अगर हम इस तरफ से जाते हैं, यानी इस रूम के गेट से, तो हम पहुँच जाएंगे समुद्र के किनारे, और अगर हम पीछे बालकनी से निकले बाहर तो जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। तो बस इस रूम के बारे में एक ही चीज़ मुझे बढ़िया लगी, और मैं जब सुबह सो के उठा तो सबसे पहली चीज़ जो आज हुई वो जगन्नाथ जी के दर्शन हुए दूर से। तो ये आज हमारा सुबह का शुरुआत जो था वो बहुत ही अच्छा था। तो इस दिन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं बाहर। तो निकलने से पहले एक कप चाय पी लेते हैं। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, अभी समुद्र किनारे में बैठे हुए दोबारा से जाने से पहले, क्योंकि होटल के सामने ही पड़ता था, तो सोचा यहाँ पे चाय पी लेते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। भाई जो मौसम होता है ना यहाँ पे सुबह का अलग ही होता है, मज़ा आ रहा है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इधर बैठ के। अभी हम पहुंच गए हैं उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर में, और ये मंदिर भी एक उड़ीसा में श्री कृष्ण जी के रूप कहा जाता है जगन्नाथ जी को भी। तो हम यहाँ पे पहुंच गए, और यहाँ पे अभी तो बहुत ही ज़्यादा फिलहाल भीड़ हो रखी है। और पीछे की तरफ जो देख रहे हैं वो है मंदिर का मेन द्वार, ये वाला, तो वो है मेन मंदिर। और यहाँ से होती है एंट्री, और इधर से लाइन लगाना पड़ता है जहाँ पे टेस्ट वगैरह चेक होता है पूरा, और यहाँ से होती है एंट्री इधर से। अभी यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है, और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। वैसे यहाँ पे गर्मी रहती है, लेकिन अभी थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा है, कल यहाँ पे बारिश भी हुई थी, तो आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है इधर। मेरे पीछे ये वही रास्ता है जहाँ से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, और वो रथ यात्रा के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि वो पूरा विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होती है जगन्नाथ जी की। तो यही वाला रास्ता है वो जिसपे रथ निकलता है, और पीछे की तरफ है मंदिर इधर। और भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि एक इधर लाइन लगा हुआ है, फिर आगे भी लाइन लगा हुआ है। तो अगर आप मंदिर पे आके यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आसपास में होटल्स वगैरह और धर्मशाला वगैरह भी मिल जाएंगे, क्योंकि भीड़ तो बहुत ही लंबी है, ख़त्म ही नहीं हो रही। मंदिर वहाँ पे है, वहाँ से भीड़ लगी हुई है लाइन, और पता नहीं कहाँ तक जा रही है लाइन पीछे। तो ये मंदिर 12 शताब्दी में बनके तैयार हुआ था, और ये हमारे 4 धामों में से एक धाम में माना जाता है। तो इसके दर्शन होना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। मंदिर के कैंपस को पूरे चारों तरफ से 20 फीट दीवार से घेरा हुआ है, जो ये वाला दीवार है ये चारों तरफ है मंदिर के, और घेरा हुआ है चारों तरफ से मंदिर। तो आप उस मंदिर का जो झंडा देख रहे हैं, ये झंडा रोज बदला जाता है, शाम के 5 बजे इसके ऊपर पंडित जी चढ़ते हैं ऊपर में। ये करीब 40 फ्लोर के बराबर का मंदिर है, ऊपर पर चढ़ते हैं पंडित जी रोज, और वहाँ रोज झंडा बदलाता है शाम को 5 बजे। तो मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा वगैरह बैग वगैरह ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं है, बाहर जमा हो जाता है सब कुछ। और अगर आप मंदिर में आते हो तो यहाँ पे आपको या तो दोनों वैक्सीन लेना पड़ेगा, यानी वैक्सीन दोनों आप ले चुके होगे तभी जा सकते हो, या तो फिर आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा तभी जा सकते हैं अंदर।